वालेकुम एवरीवन आज मैं आपके साथ जो शाही टुकड़ा होता है उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ बट ये हम बनाएंगे रस के साथ जो रस का ब्रिटानिया का टोस्ट होता है उसके साथ बनाएंगे, और इसकी रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है जो मैंने ब्रेड के साथ बनाया था तो आप प्लीज़ जाके वो भी देख सकते हो और ये मैं बना रही हूँ रस के टोस्ट के साथ तो यहाँ पर मैंने एक पैकेट ले लिया है जो कि है थर्टी रुपीज़ वाला थर्टी रुपीज़ का जो आता है बस हमें एक पैकेट लगेगा इससे हमारा काफ़ी जो शाही टुकड़ा है वो बन के रेडी हो जाएगा ये सिंपल वाला रस के है जो हम टी टाइम पे लेते हैं ये देखिए तो अभी हम इसे ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है और इसमें जो कलर है ना वो अभी भी कम है तो हम वो कलर लाने के लिए जो शाही टुकड़े का कलर होता है उसे मेंटेन करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा हम इसे घी से फ्राई कर लेंगे ताकि वो कलर भी हमें आ जाए तो हम यहाँ पर हाफ़ कप घी ऐड कर रहे हैं इसमें जब घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए मेल्ट कर लेना हमें अच्छे से घी को आप ऑयल भी ले सकते हो लेकिन घी में बनाओगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी आपकी रेसिपी तो इसमें हम एक एक ऐड कर देंगे बस इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं तो आपको जो फ्लेम है गैस की उसे भी स्लो रखनी है और इसे जल्दी जल्दी से निकाल देना है क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कलर आ जाएगा आप ज़्यादा इसे डीप फ्राई करने जाओगे तो वो जल जाता है तो ये कलर एकदम परफेक्ट है हमारे शाही टुकड़े के लिए तो हम इतना कलर आने के बाद इसे निकाल देंगे और ये बाक़ी जो हमारे टोस्ट है उसे भी हम उसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने सेम पैन में वन टेबल स्पून घी ऐड कर लिया है इसमें हम हमारे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को इसमें फ्राई कर लेना है बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है तो इसमें मैंने काजू बादाम और रेजिन ऐड किया है और इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए बहुत डार्क कलर भी नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया लाइट कलर जब आ जाए तो हम इसे इस निकाल देंगे और साइड में रख देंगे और यहाँ पर पैन में अब मैं एक कप शुगर ऐड कर रही हूँ ये टू फिफ्टी ग्राम शुगर होगा तो हम इसे ऐड करेंगे और साथ ही में वन एंड अ हाफ़ कप हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे हमें इसकी चाशनी रेडी करनी है लेकिन हमें बहुत ज़्यादा गा एक तार वाली दो तार वाली कोई चाशनी नहीं चाहिए यहाँ पर सिर्फ जो शुगर सिरप होता है वो रेडी कर लेना है हमें तो यहाँ पर हमारी शुगर मेल्ट होने लगी है तो हम इसे थोड़ा सा मिला देंगे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड फूड कलर ऐड किया है ये टोटली ऑप्शनल है और यहाँ पर मैंने रोज एसेंस ऐड किया है ये दोनों भी आप स्किप कर सकते हो अगर होगा तो डाल दें और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अगर आपने इंस्टाग्राम पे अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ जाके फ़ॉलो कर लेना और यहाँ पर मैंने दो कप मिल्क ले लिया था जिसे मैंने गरम करने रख दिया था हमें इसे ना थोड़ा सा पकाना है इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ी सी कम करनी है जिस तरह हम रबड़ी रबड़ी बनाने के टाइम पे करते हैं लेकिन हमें बहुत इसे रबड़ी जैसा नहीं बनाना है क्योंकि हम इसकी एक मलाई रेडी करेंगे तो इसे मैं अभी स्टर करते जा रही हूँ हम इसे पकाते जाएँगे और ये थोड़ा सा क्वांटिटी जो है इसका कम हो गया है तो यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क लिया है और हम इसमें फ़ोर टेबलस्पून स्पून कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे अगर आपके पास जो खोया होता है मावा होता है अगर वो रहे तो आप वो डाल देना मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो और इसे डाल के हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यहाँ पर मैंने टू टेबल स्पून कॉन्स फ्लार जो होता है वो लिया था और टू टेबल स्पून इसमें मिल्क जो ठंडा वाला होता है दूध वो मिल्क उसका मिक्सचर रेडी किया था और ये स्लरी रेडी करके मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ इससे क्या होगा कि एक थिकनेस आएगी मिल्क में और जो मैंने मलाई बुलाई वो रेडी हो जाएगी तो ये हमारी मलाई रेडी हो गई है इसमें आप इलायची पाउडर वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हो मैंने वो सब नहीं ऐड किया है तो यहाँ पर हमारा मिल्क रेडी हो गया है यहाँ पर आपको प्रोसेस बहुत फास्ट करना है तो यहाँ पर मैंने एक सर्विंग ट्रे ले ली है जिसमें भी आपको सर्व करना है तो हम अब इसमें हम हमारी जो चाशनी थी उसे थोड़ी सी गर्म ही आपको इसमें डालनी है वो एड थोड़ी सी डाल देंगे और हमारे जो रस्क के टोस्ट थे जो हमने फ्राई किए थे वो इसमें इस तरह से लेयरिंग कर देंगे और अभी हम जितनी भी हमारी चाशनी थी वो सारी इसके ऊपर पोर कर देंगे ये चाशनी आपको थोड़ी सी गर्म ही रखनी है बहुत ज़्यादा ठंडी रहेगी तो आप थोड़ा सा गर्म कर लेना और ये मैंने सारी ये चाशनी को इसके ऊपर पोर कर दिया है और आपने अब हमने जो मलाई बनाई थी ना वो भी हमें गर्म ही रखनी है ये थोड़े से मेरे पास ड्राई फ्रूट है जो हमने पहले डीप फ्राई किए थे ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ये वही मलाई है जो हमने बना के रेडी की थी इसे भी अच्छी तरह से पोर कर देंगे जब अच्छे से इसे आप पोर कर दो उसके बाद यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी टूटी फ्रूटी है ये टोटली ऑप्शनल है अगर आपके पास हो तो आप डाल देना वरना स्किप कर सकते हो आप तो ये अच्छा आता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है शायद टुकड़े में जब आप बाइट लेते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से आलमंड से स्लाइस आलमंड है और ये वही मैंने रिजिन है वही ऐड कर दिए इसमें और इसे हमें सेट करने रख देना है इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सेट होने के लिए आप आधे से एक घंटा करोगे तो ये मलाई अच्छे से सेट हो जाती है तो यहाँ पर मैं आपको पास से दिखा देती हूँ उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो यहाँ पर मैं इसे कट करके आपको बता देती हूँ ये सेट हो जाती है जैसे मैंने बताया आप देख सकते हो इसके लेयर कितने आसानी से ये निकल आई है अगर आपके घर पर कोई मेहमान आने वाले हो गेस्ट आने वाले हो तो तभी भी आप इसे रेडी कर सकते हो तो रेसिपी देखने के लिए थैंक यू अल्लाह हाफिज़